हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मे बी ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम बैक टू कुक विद आयशा। तो आज हमारी किचन में बनने वाले हैं पाया। तो ये मैं बनाने वाली मेरे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे तरीके से, किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिया कुकर, इसमें डाल दिया तेल। इसमें मुझे बनाना है पाया। तो मैंने इसमें लिया था थोड़ा ज़ीरा और बड़ी इलायची, एक और काली मिर्च एंड थोड़ा सा हरी इलायची इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। देन मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और मैंने डाल दिए एक टमाटर काट के, इसके ऊपर डाल दूँगी एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। और मैंने ये अनियन को अलग से सेपरेटली काट के फ्राई करके रख दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने डाल दिए यहाँ पे मैंने, और पाए को अच्छे से ना वॉश करके रख दिया था। तो देख सकते हो यहाँ पे एकदम फ्रेश पाया है ये। तो आप इस तरह से बकरा ईद में बना के अपने घर वाले को खिला सकते हो। बहुत जल्दी से बन जाती है रेसिपी और एकदम मज़ेदार बन जाती है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा बूंद बूंद के इसके ढक्कन लगा के रख दिया है। अगेन मैं इसमें ढक्कन लगा के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, अच्छे से बूंद लूँगी। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा पाए जो है अच्छे से बुन चुका है। तो इसके बाद में हम डाल देंगे गुनगुना पानी इसके अंदर। ठंडा पानी हमें हरगिज़ नहीं डालना है, नहीं तो हमारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा पाए का। देन इसके बाद में देखिए बॉईल आने के लिए छोड़ दिया है मैंने। इसके बाद लीड लगा दूंगी मैं, 12 से 15 सीटी इसका लगा दूँगी मैं। 15 से 20 मिनट में आपका 12 सीटी आराम से लग जाएगा। तो इस तरह से आपका पाया पक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो गोश्त भी अलग सेपरेट हो चुका है। तो ये स्टेज में हम डाल देंगे हरा धनिया और मैंने एक नारियल का दूध निकाल के ले लिया था। तो ये सारे डाल के अभी हम 2-3 बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। तो आप लोग ज़रूर इसे घर में ट्राई कर लेना। इसे आप बघारा व पुलाव के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो आप कुर्बानी में बकरा इन्हें ज़रूर ट्राई कर लेना। तो देख सकते इसे बॉयल आ चुका है, अब ये बन के तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। तो आप लोगों को कैसे लगा है मेरा पाए का रेसिपी? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।